बिहार के शुभम कुमार देहरादून में एक जॉब ढूंढ रहे थे जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसलिए उनको बिहार वापस आना पड़ा और उन्होंने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी, पर वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा के लिए कोई इतनी परवाह नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक जॉब या फिर अपनी एजुकेशन के लिए स्टेट के बाहर ही जाते हैं, पर अब उनका व्यू पॉइंट चेंज हो गया है। वो बिहार में ही काम करना चाहते हैं और चाहते कि सरकार उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे, और इन इलेक्शंस की कैंपेनिंग के दौरान शुभम जैसे कई लोगों के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है जॉब्स का। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा। तेजस्वी यादव जो RJD के लीडर हैं, उनकी रैलीज में हमें भीड़ देखने को मिली। युवा नेता तेजस्वी यादव की रैलियों की बात करें तो जबरदस्त भीड़ जुट रही है उनकी रैलियों में, और इससे RJD के खेमे में उत्साह भी बढ़ रहा है। ज्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को कैंपेनिंग के पहले ये लग रहा था कि इन इलेक्शन का रिजल्ट ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। JDU के सबसे पॉपुलर लीडर लालू प्रसाद यादव अभी भी जेल में है और कई लोगों का तेजस्वी यादव की क्षमता पर भरोसा नहीं है। बस क्वेश्चन ये बचा था कि BJP को कितनी सीट्स मिलेंगी और JDU को कितनी। पर इलेक्शन रैली से हमें दो चीजें देखने को मिली है। पहला कि तेजस्वी यादव कई जगहों पर बहुत पॉपुलर है। मीडिया हाउसेस ने ये भी बताया कि प्राइवेटली कुछ BJP लीडर्स इस बात से चिंतित हैं। पर हमें पता है कि इलेक्शन रैलीज में भीड़ का मतलब ये नहीं है कि नतीजा आपकी तरफ ही आएगा। अगर आपको याद हो 2019 के UP इलेक्शंस में जनरल इलेक्शंस के दौर पर मायावती और अखिलेश सिंह यादव की रैलीज में भी बहुत भीड़ थी, पर नतीजा उनके फेवर में नहीं था। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली है इस कैंपेनिंग में, वो है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज अब जॉब्स के बारे में बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव के 10 लाख जॉब्स देने के वादे को बहुत पॉलिटिकल अटेंशन मिला है। ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी, आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो, आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। और इस बात का तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया कि अगर हमें एक झूठा प्रॉमिस ही बोलना होता BJP की तरह, तो हम 50 लाख या फिर 1 करोड़ जॉब्स के बारे में क्यों नहीं बोलते। उन्होंने बताया कि वो 4.5 लाख वेकेंट गवर्नमेंट पोजीशंस को इमिडिएटली फिल करेंगे और 5.5 लाख जॉब्स मेडिसिन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और पुलिस सर्विसेज में क्रिएट करेंगे। BJP ने रिस्पॉन्ड किया कि वो 19 लाख जॉब्स देंगी अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये कैंपेनिंग के दौरान जो जॉब्स को अटेंशन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चेंज है। ना ही पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है और ना ही किसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में, और ये नतीजा है कि बिहार के वोटर्स एक्चुअली है कौन और उनकी मांगे क्या हैं। 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जॉब्स बिहार के इलेक्शंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, और इनके बारे में रोशन किशोर ने हिंदुस्तान टाइम्स में और प्रोफेसर अश्विनी कुमार ने द हिंदू पर बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया था। पहला कारण है कि बिहार के वोटर्स ज्यादातर नौजवान हैं। बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 56% करीब 18-40 ईयर्स ओल्ड है। 2011 सेंसस के हिसाब से यूपी के साथ बिहार की मीडियन एज सबसे कम थी, और जैसे अश्विनी कुमार ने बताया कि इन वोटर्स को नेसेसरली वो चीजें नहीं चाहिए जो उनके माता पिता को 10 या 20 साल पहले चाहिए थी। इसलिए जब नीतीश कुमार कहते हैं कि RJD के आने के बाद गुंडा राज वापस स्टार्ट हो जाएगा बिहार में, पर इन बातों को बिहार के नौजवानों के लिए समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो दिन नहीं देखे जब किडनैपिंग्स बहुत ज्यादा होती थी या फिर रणवीर सेना का प्रहार बहुत ज्यादा था। तो उनके लिए क्राइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है स्मार्टफोन, वाईफाई, जॉब्स और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर का टैग हटाना, जिससे कई बिहारी लोग परेशान हैं। और कई लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार इस टैग को हटाने में असफल रहे हैं। ये स्पेशली हमने देखा था कोविड लॉकडाउन में, जब कई लोगों को मजबूरन अपना शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाना पड़ा था। दूसरा कारण है बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट। 2018-19 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से, जो इंडिया की ऑफिशियल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करीब 10.2%, जबकि ऑल इंडिया एवरेज है 5.8%। और जब हम पिछले सर्वे से कंपेयर करेंगे तो बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया एवरेज बिगड़ती ही आ रही है। 2004 में बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कम थी, पर 2011 में ऑल इंडिया एवरेज से 60% ज्यादा बढ़ गई और 2018 में 80% से ज्यादा।
अगर हम इस डेटा को और बारीकी से परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट सभी के लिए ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया एवरेज। ये मैटर नहीं करता कि आपने बस प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा है या आप कॉलेज ग्रेजुएट है, बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर भी ऑल इंडिया एवरेज से कम है। पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखाती। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ जॉब्स को परखना होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आप अपनी ऑफिस की जॉब छोड़कर अपने गांव वापस चले जाते हैं खेत पर काम करने के लिए, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नहीं दिखेगा क्योंकि सर्वे के हिसाब से आप एम्प्लॉयड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अपने फार्म पर। क्वालिटी ऑफ जॉब्स को एनालाइज करने के लिए हम सैलरीड जॉब्स को देख सकते हैं, यानी कि ऐसी जॉब्स जहां आपको एक सैलरी मिलती है। और हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में जहां 23.8% लोगों के पास सैलरीड जॉब है, बिहार में बस 10.4%। यानी कि मान लीजिए अगर कोई एक ग्रुप है 10 लोगों का, तो उन 10 में से करीब 4 लोगों के पास ऑल इंडिया में एक सैलरी जॉब होगी, पर बिहार में उन 10 लोगों में से बस एक व्यक्ति के पास सैलरी जॉब। पर हमें ये भी नोट करना चाहिए कि ये डेटा पॉइंट बस 4.2% था 2004 में बिहार के लिए, यानी कि जब से नीतीश कुमार सरकार में आए तब से ये रेट 4.2% से 10.4% तक बढ़ी है, पर ये अभी भी ऑल इंडिया एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। और कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक कारण है कि बिहार के स्कूल्स कोई शिक्षा ही नहीं देते उनके स्टूडेंट्स को। असर एक बहुत नामी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलरली सर्वेस करती है ये देखने के लिए कि हमारे स्कूल्स में कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और वो ऐसा कैसे करते हैं, वो कई बार ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को एक ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कि वो पढ़ पाते हैं या नहीं। 2006 से 2018 तक करीब 50% ही लोग पूरे इंडिया में ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक्स पढ़ पाए हैं, पर ये रेट बिहार में 65% से 41% तक गिर गई है। बुरी स्कूलिंग की वजह से कई लोगों को बिहार में स्किल्स नहीं मिलते जिसकी वजह से वो एक अच्छी जॉब कर पाए, पर ये बस एक ही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बिहार में इतनी क्वालिटी जॉब्स है ही नहीं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी लोगों को स्टेट को छोड़कर जाना पड़ता है एक ढंग की जॉब ढूंढने के लिए। 2011 सेंसस के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग थे जो स्टेट से बाहर जा रहे थे काम ढूंढने के लिए। एक 2018 वर्ल्ड बैंक पेपर के हिसाब से बिहार की जो स्टेट जीडीपी थी उसमें 35% योगदान वो पैसा था जो माइग्रेंट्स शहरों से अपने गांव वापस भेज रहे थे। पर ऐसा राज्य जो इतनी ज्यादा हद तक अपनी माइग्रेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती है अपनी इकोनॉमी के लिए, उसकी इकोनॉमी सत्यानाश तो हो ही जाएगी एक कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शंस कभी भी हमारे इतिहास में इम्पोर्टेंट नहीं थे बिहार के इलेक्शंस के लिए और एकदम से अब जॉब्स की बात हो रही है, पर अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। एक सिचुएशन जो चेंज हुई है वह कि माइग्रेंट वर्कर्स जो थे अभी अपने राज्य में हैं और वोट दे सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के पास इंडिया में ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स नहीं होती, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं, पर रिसर्च के हिसाब से कई माइग्रेंट वर्कर्स अपने इलेक्शंस मिस कर देते हैं। रिसर्च ने दिखाया कि कैसे पंचायत इलेक्शंस के दौरान कई बार कैंडिडेट्स अपने माइग्रेंट वर्कर्स को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, पर स्टेट इलेक्शंस में ऐसी कोई स्थिति नहीं आती जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स के पास एक पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं रहती। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सर्वे हुआ था माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का लॉकडाउन के बाद, जिसने बताया कि 62% वर्कर्स को कोई जानकारी नहीं थी इमरजेंसी मेजर्स के बारे में जो सरकार दे रही थी, और 37% को कोई भी एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में पता ही नहीं था। पर इन इलेक्शंस में COVID-19 की वजह से कई माइग्रेंट वर्कर्स अपने राज्य में हैं और अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति बहुत हद तक कास्ट पर डिपेंड करती है और बिहार के इश्यूज कई बार बस कास्ट पर डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे अगर हम RJD की बात करें तो यादव और मुस्लिम्स के वोट्स पर निर्भर करती हैं। जैसे कई असेंबली और जनरल इलेक्शंस के दौरान जो RJD के अलायंस रही है उनका 50% से ज्यादा वोट शेयर रहा है यादव और मुस्लिम्स में, पर बस यादव और मुस्लिम्स पर निर्भर करके RJD ये इलेक्शंस नहीं जीत सकती। इसलिए उनको ऐसे मुद्दे चाहिए होंगे जो दूसरे सोशल ग्रुप्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, और एक ऐसा मुद्दा है जॉब्स का। 2011 और 2018 के बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है बिहार की वो ऑलमोस्ट सारे सोशल ग्रुप्स में इंक्रीज हुई है। इन 5 कारणों की वजह से सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज जॉब्स के बारे में बात कर रही है, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट में आएगा वो अपने प्रॉमिस फुलफिल कर लेगी, चाहे वो 10 लाख जॉब्स के बारे में हो या 19 लाख जॉब्स के बारे में, पर वो पॉइंट भी नहीं है।
डेमोक्रेसी का पॉइंट होता है कि जो भी लीडर्स इलेक्ट हो रहे हैं वो हमारे मुद्दे के बारे में बात करें और उनको हम अकाउंटेबल रख सकें। यानी कि एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सेट करना चाहिए बल्कि वोटर्स को सेट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को उस एजेंडा पर रिएक्ट करना चाहिए। अब वो एजेंडा पाकिस्तान का हो तो पाकिस्तान ही सही, पर हर इलेक्शन में पाकिस्तान हमारा एजेंडा नहीं हो सकता। कई बार वो जॉब्स होती हैं, फार्मर इनकम्स होती हैं। इसलिए ये पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है हमें कि इन इलेक्शंस में जॉब्स के बारे में बात हो रही है। पर चाहे ये इलेक्शंस कोई भी जीते, हमें बस ये याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बल्कि हमें सेट करना चाहिए।